सीबीएसई बोर्ड से ताल्लुक रखने वाले देवघर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स संगठन द्वारा मधुपुर के शालोम स्कूल सभागार कक्ष में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 को लेकर पहली आधिकारिक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर शालोम स्कूल के चेयरमैन शीला पुनराज ने बैठक में आए सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यों और गणमान्य लोगों का स्वागत किया। बैठक में मुख्य रूप से आए देवघर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष रामसेवक गुंजन, सचिव डॉक्टर विजय कुमार समेत अन्य गणमान्य लोगों को शालोम स्कूल के प्रबंधक एंटनी फ्रांसिस ने गुलाब भेंट कर मंच पर सभी का स्वागत किया। बैठक में सीबीएसई के नॉर्म्स का पालन करने, नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने समेत शिक्षकों को दक्षता हासिल करने और कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में आए विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों ने अपने अपने अनुभवों को भी साझा किया। बैठक का धन्यवाद ज्ञापन शालोम स्कूल की प्रिंसिपल अंजू पुनराज ने की। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर जोसेफ पुनराज, चार्लिन सर समेत कई स्कूलों के प्रिंसिपल एवं उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। तो हम एक करके पूछ लें सबसे। इस मीटिंग का उद्देश्य है कि देवघर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के तहत जितने भी विद्यालय हैं वहाँ के प्राचार्यों के साथ आपसी विचार विमर्श के बाद कैसे हम विद्यालय को और अधिक बेहतर बना सकें, विद्यार्थियों का कैसे विकास हो सके, शारीरिक मानसिक विकास के साथ नई शिक्षा नीति पर हम लोग जोर दें और नई शिक्षा नीति को सही ढंग से उसका अनुकरण करते हुए बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास। हमसे जरूरत है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की महती भूमिका होनी चाहिए। आधुनिक समय में जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत हमें बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट के तरफ देना चाहिए। सीबीएसई का जो गाइडलाइन है उसे हमें अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी बच्चे को ध्यान में रख करके ही 2.5 लाख लोगों के संपर्क करके ये बनाई गई है, जिसमें बच्चे का अब 3.5 साल से ही वह स्कूल में आ जाएंगे और ये प्रारंभिक शिक्षा जो खेल से होते हुए शैक्षणिक योग्यता तक चली जाएगी। और इसमें सीबीएसई 25 घंटे अपने भी ट्रेनिंग करा रही है और 25 घंटे इनहाउस ट्रेनिंग होगी और इस इनहाउस ट्रेनिंग को हम लोग रिलीजियसली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसी विषय पर बात ये हम लोग करने आए हुए हैं। Or all the dignitaries have shared with us their views of the Sahodaya schools which have come together. What is our main concept, what is our main vision, what is our main goal towards not only children but also to the teachers that belong to the respective schools and also to the parent. So to be, we pray and we ask God to help us to carry this mission forward and to make the institution itself every way, not only in education but in sports and all extracurricular activities, so that the life of our children that are entrusted into our hands will reach excellency in their life. Meetings as such is very important to encourage schools with each other to rise up and meet the standards of CBSE. It was very fruitful discussion where we got to learn from each other, support each other, encourage each other, and so that we can be the same level and meet the expectations of the world.